यादें स्वतंत्रता संग्राम की। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम जलियांवाला बाग। ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल। रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई। इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई। लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए। रॉलेट एक्ट वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो। रॉलेट एक्ट वापस लो। पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। यस, हे यू, कम अप। इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर
एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया। सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा। इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था। भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए। रोलेट एक्ट वापस लो। रोलेट एक्ट वापस लो। रोलेट एक्ट वापस लो। ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए। सत्यपाल को रिहा करो। डॉक्टर किचलू को रिहा करो। सत्यपाल को रिहा करो। सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही।
कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा। गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन। सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं। शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर। मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची। मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, कर दिया। और रात भर रतन देवी वहीं बैठी लोगों को दम तोड़ते देखती रही। शहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण कोई भी यहां तक न पहुंच पाया, और सुबह होने पर चाचा जी किनु लग रहे हो? पिताजी जो अपनी छोटी बहन जो मैं सारी रात एना नाल एना विच कटिए। हौसला पुत्र, वे भरावा जरा मेरा हाथ बनाए, इन्हों घर तक ले जाना है। इस क्रूर हत्याकांड के बाद सरकार ने घायलों की देखभाल का भी कोई इंतजाम नहीं किया। मारे जाने वालों में छोटी उम्र के बच्चे भी थे। कुछ की आंखों में गोली लगी थी तो किसी की बाहों में। सैकड़ों लोग बैसाखी के इस दिन अपनी मातृभूमि पर विदेशी गोलियों का शिकार बन गए। इतना होने के बावजूद भी डायर ने अपना दमन चक्र जारी रखा और लोगों को जलील करने के अजीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए। डायर ने हुक्म जारी किया, दंगों के दौरान मिस शेरवुड को कूचा तैवारिया में लोगों ने पीटा था और
उन्हें पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया। अब जो भी भारतीय कूचा तैवारिया से गुजरे तो उसे पेट के बल रेंगते हुए जाना होगा। माय बाप मैं घर जा रहा हूँ। मालूम नहीं ये कूचा तेवार क्या है, यहाँ पेट के बल रेंग कर जाना होता है। मैं तो सुना नहीं, मैं क्या लगा रखी है, चल चल पेट के बल चल। हुजूर मैं तो अंधा हूँ। अरे दिखाई दे रहा है हमें कि तू अंधा है, चल चल पेट के बल ले चल। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। ओह ओह ए लगा इसे कोड़े। देखा 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 इस शेरवुड को पीटने का नतीजा। सिपाही तुम इसके सामने चलो। और तुम अबे अंधे, सिपाही के जूतों की आवाज सुनकर आगे बढ़ता गया चल। जो आप कहेंगे। लेकिन डायर ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इसी कूचा तैवारिया में मिस शेरवुड को एक भारतीय परिवार ने शरण दी थी और उसकी सेवा भी की थी। डायर हुक्म पर हुक्म जारी करता रहा। जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली। इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी। जनरल डार। यस सर। आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया? मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया। क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया? यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया। क्या वार्निंग नहीं दी? नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी। फिर गोली चलाने का क्या मकसद था? मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो। जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई। कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए। पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए। आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे। पंजाब के हत्याकांड और ब्रिटिश सरकार का दमनपूर्ण रवैया देखते हुए अहिंसा में विश्वास करने वाले गांधी जी ने कहा, ये शैतानों का राज है और इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इससे पहले गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोग से आजादी हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे, पर इस घटना के बाद गांधी जी का विचार बदला और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। लेकिन पंजाब के शहीद हर भारतवासी के रोम रोम में देशभक्ति का संचार कर गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।